मुझे लग रहा है मेरा अभी सोकर उठी हूँ, मेरा मुंह इतना फुला हुआ है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है सुनील पालवाल. यस, मरहबा. मरहबा, ये अभी अभी ये वर्ड सीख कर आए हैं और ये अभी सारा ये वर्ड पूरा दिन छाड़ने वाले हैं. हमारे पास मैंने एक ही वर्ड सीखा है, सो इसको मैं यूज़ करूँगा जितना हो सके इंशाल्लाह. नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको काफ़ी कुछ सिखा दूंगी बोलने के लिए. सुनील पालवाल जी, जो इनको नहीं जानता या जिन्होंने नहीं देखी है, मूवीज़ नहीं देखते हैं, उड़ी फिल्म में थे ये और अनिल कपूर के साथ थे ये टीवी शो में, 24 नाम था उसका. यस, और जॉली एलएलबी 2 में, जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार के साथ थे. आज ये कुवैत में आए हैं थिएटर करने के लिए, तो आप बताइए कि पहली बार आपका कुवैत में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहली बार कुवैत में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कुवैत टावर्स को देखा, फिर एवेन्यू मॉल में गया, काफ़ी लोगों से मिला, बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, कल वो खाना खाया. सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मतलब आपने अरबी खाना, अरबी फूड ट्राई किया है, चावल वगैरह? यस यस, और एक वो इट्स लाइक चपाती एंड दे mix something and make something roll or something, I don't know what you call shawarma. Maybe shawarma. Oh my god, like वो बहुत, वो मतलब लोग पागल होते हैं उनके पीछे. आप प्लीज बताइए कि आपको शावरमा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत delicious. That's what I can tell you. ओके, सुनील पालवाल जी, प्लीज आप अपने रोल के बारे में और जो थिएटर आप कर रहे हैं कुवैत में पहली बार हो रहा है जी, बर्फ नाम है इसका जी, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं जी. बर्फ जो प्ले है, इस रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सौरभ शुक्ला. इसमें तीन ही कैरेक्टर हैं जो सौरभ शुक्ला प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर का, सादिया सिद्दीकी, शी इज़ प्लेइंग माय वाइफ, एंड आई एम प्लेइंग अ कैब ड्राइवर फ्रॉम कश्मीर. सो इस प्ले इज अ सस्पेंस थ्रिलर, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बिकॉज इन थ्रिलर आप अगर बता देंगे क्या, मैं इतना मोटा मोटा आपको बता सकता हूँ कि ये कहानी है एक कश्मीर के एक ऐसे सेक्लूडेड जगह की, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो कोलकाता से कश्मीर आए हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड किसी तरह वो फंस जाते हैं हमारे घर में. तो उस एरिया में और कोई नहीं रहता है, एंड देन द होल स्टोरी रिवॉल्व्स देयर, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग देयर. सो इतना मैं आपको बता सकता हूँ. दिस प्ले इज प्रोड्यूस्ड बाय अश्विन गिडवानी, AGP वर्ल्ड, एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट लाइक 70 or 72 शोज सो फार, ट्रैवल ऑल ओवर द प्लेसेस. एंड कुवैत हम पिछले 2 साल से आना चाह रहे थे इस प्ले को लेकर, पर हमेशा डेट्स का कोई प्रॉब्लम हो जाता था, बिकॉज कई बार आपकी तरफ से इधर, मतलब कुवैत की तरफ से, और कई बार सौरभ सर ही इज़ शूटिंग फॉर लॉट ऑफ फिल्म्स, सादिया इज़ ऑल्सो वर्किंग अ लॉट, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, तो कई बार डेट्स का वो हो जाता था और कुवैत आना नहीं हुआ. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड वेरी एक्साइटेड दैट टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म हियर फाइनली इंशाल्लाह. सर, मैंने ये सुना है कि आपका कोई प्ले है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, देवदास. देवदास, यस, हाँ, उसका एक सीज़न हम मुंबई में कर चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक 9 or 10 शोज, और लोग पागल हो रहे हैं उस शोज. यस, है ना. एंड नेक्स्ट वी आर प्लानिंग, वी आर गोइंग टू सिंगापुर. सिंगापुर में इसका सीजन होगा देवदास का, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन जनवरी फॉर सिंगापुर सीजन. सर, तो मतलब कि आपका नेक्स्ट कब प्लान है कुवैत आने का या सऊदी अरब जाने का, मतलब मिडिल ईस्ट में कब करने वाले हैं आप शोज दोबारा? सी, वी आर प्लानिंग फॉर बर्फ इन द मिडिल ईस्ट, टू बी फ्रैंक. देखते हैं कब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं. और सिंगापुर, मतलब कुवैत में आई एम कमिंग विद देवदास वेरी सून, आई थिंक मे बी इन 1 ईयर, अगर अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर मैं कुवैत में आऊँगा अपने दूसरे प्ले के साथ इंशाल्लाह. देवदास की बात चल रही है अभी, लेट्स सी. कि आप जम्मू में पले बड़े हो जी, आप हो पंजाबी? मैं डोगरा हूँ. डोगरा मतलब द पीपल फ्रॉम जम्मू दे आर डोगरास, पीपल फ्रॉम कश्मीर दे आर कश्मीरीज, पीपल फ्रॉम पंजाब दे आर पंजाबीज. सो most of people ask me, are you Kashmiri, because from Jammu and Kashmir. Ji. So I have to, you know, explain them that people from Jammu, they are Dogras. So I'm Dogra from, it's a very religious place where I was born, it's Katra Vaishno Devi, but I brought up in my nani's place in Jammu. They are Punjabis. Okay. Punjabi culture. Okay. Because वो पाकिस्तान से थे, तो मेरे नानी जो हैं वो पंजाबी में बात करती हैं. Okay, नानी, तो, नानी पाकिस्तान की साइड की है माशाल्लाह. हाँ, मेरे दादा भी पाकिस्तान साइड से हैं. Okay, okay. हाँ, और फिर मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की 10th तक, वो पंजाबी स्कूल था, मतलब MC खालसा हाई स्कूल. सो यू नो लाइक वहाँ पे हमें रोज़ सुबह जो हमारी प्रेयर्स होती हैं वो गुरुद्वारे में होती थी, यू नो, तो मुझे पंजाबी लिखना पढ़ना सब आती है, और मैं पंजाबी जो गुटका होता है उसको भी पढ़ता था पहले मैं. Okay. तो पंजाबी कल्चर के बहुत करीब रहा हूँ, और जो डोगरी जो लैंग्वेज जो है, जो डोगरी लैंग्वेज है वो पंजाबी से मिलती जुलती है. ओके, इट्स लाइक सिमिलर, यू नो, बिकॉज पंजाब जैसे ही आपने क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस किया, एंड जम्मू स्टार्ट्स. So it's a mixed culture of Jammu ka, वैसे भी पंजाब के साथ. So that's why. एक और बात कर दीजिए,
कुछ अरबी में बोलना चाहेंगे आप हमारे फैंस के लिए? अरबी में? हाँ, अरबी में. मुझे पता है इनको नहीं आती है, लेकिन मैं सिखा दूंगी. इट्स ओके. आप बोल सकते हैं मरहबा. मरहबा. या अहल. या अहल. अल कुवैत. अल कुवैत. अहबकुम. अहबकुम. जमीअन. जमीअन. इसका मतलब ये है कि हेलो पीपल ऑफ कुवैत, आई लव यू ऑल. हेलो पीपल ऑफ कुवैत, आई लव यू ऑल. और हाँ, ये बहुत अच्छा है. और प्लीज साइड में एक फॉलो मी, मुझे मेरा नाम लेकर प्लीज फॉलो मून टून. प्लीज इफ यू कैन डू समथिंग फॉर मी, काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर मी, प्लीज फॉलो दिस ब्यूटिफुल यंग लेडी हु इज डूइंग वंडरफुल जॉब. एंड यू गोना हैव लॉट ऑफ गुड इंटरव्यूज इन फ्यूचर, सो डोंट मिस दिस. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनील. यू आर वेलकम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.